हेलो फ्रेंड्स, राम राम, ओम नमः शिवाय। आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ शरद पूर्णिमा कब है और क्यों मनाई जाती है और क्यों शरद पूर्णिमा के दिन खीर खुली आसमान के नीचे रखा जाता है और इसका क्या महत्व है। ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मान्यता है कि रात भर चांद की रोशनी में शरद पूर्णिमा पर खीर रखने से उसमें औषधीय गुण आ जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह इस खीर का सेवन करने पर सेहत अच्छी रहती है। हिंदू धर्म में सभी पूर्णिमा तिथियों में अश्विन माह की शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व। शारदीय नवरात्रि के खत्म होने के बाद अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर शरद पूर्णिमा या कोसगार पूर्णिमा मनाई जाती है। इस वर्ष शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर रविवार को है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस रात को सुख और समृद्धि प्रदान करने वाली रात माना जाता है। कोजागरी पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आ जाती हैं और घर घर भ्रमण करती हैं। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है और इस दिन घर की सफाई करते हुए माँ लक्ष्मी के मंत्रों को जाप किया जाता है। मान्यता है कि जिन घरों में सजावट और साफ सफाई रहती है, रात भर जागते हुए माँ लक्ष्मी की आराधना होती है, वहाँ पर देवी लक्ष्मी जरूर वास करती हैं और व्यक्ति को सुख धन दौलत और ऐशो आराम का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसके अलावा शरद पूर्णिमा पर रात भर खुले आसमान के नीचे खीर रखी जाती है। मान्यता है कि रात भर चांद की रोशनी में शरद पूर्णिमा पर खीर रखने से उसमें औषधीय गुण आ जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह इस खीर का सेवन करने से सेहत अच्छी रहती है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा में खीर का क्या महत्व है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार चंद्रमा को मन और औषधि का देवता माना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात को चांद अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करता है। इस दिन चांदनी रात में दूध से बने उत्पाद का चांदी के पात्र में सेवन करना चाहिए। चांदी में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, इसमें विषाणु दूर रहते हैं। शरद पूर्णिमा की शीतल चांदनी में खीर रखने का विधान है। खीर में मौजूद सभी सामग्रियां जैसे दूध, चीनी और चावल चंद्रमा के कारक होते हैं, अतः इनमें चंद्रमा का प्रभाव सर्वाधिक रहता है। शरद पूर्णिमा के दिन खुले आसमान के नीचे खीर पर जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, इनमें चंद्रमा का प्रभाव सर्वाधिक रहता है। शरद पूर्णिमा के दिन खुले आसमान के नीचे खीर रखने जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, यह खीर अमृत तुल्य हो जाती है, जिसको प्रसाद रूप में ग्रहण करने से व्यक्ति वर्ष भर निरोग रहता है। प्राकृतिक चिकित्सालयों में तो इस खीर का सेवन कुछ औषधि मिलाकर दमा के रोगियों को भी कराया जाता है और यह खीर पित्ताशय शीतल सात्विक होने के साथ वर्ष भर प्रसन्नता और आरोग्यता में सहायक सिद्ध होती है और मन को शांत भी रखती है। तो गाइज, आज आपको पता चला है कि शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप खीर जो आसमान के नीचे रखी जाती है उसे दूसरे दिन खाते हैं तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी और वो अमृत के तुल्य मानी जाती है। तो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।